वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। बिहार की सत्ता में कौन आएगा, पाटलिपुत्र का नया वारिस कौन होगा, ये फैसला तो 10 नवंबर को होगा जब पेटी में कैद सियासत की किस्मत आजाद होगी और बिहार को अगला सीएम मिलेगा। आपने तमाम टीवी चैनलों के एग्जिट पोल देख ली, आपने एग्जिट पोल में तेजस्वी की ताजपोशी देख ली, आपने एग्जिट पोल में महागठबंधन की महाविजय देख ली। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये चुनाव है, यहाँ बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े रणनीतिकार फेल हो जाते हैं। एग्जिट पोल जाने कितनी बार गलत साबित हो चुके हैं, राजनीतिक पार्टियां इस बात को बहुत अच्छे से जानती हैं। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया और लिखा है कि 10 नवंबर को चुनाव परिणाम कुछ भी आए, आपकी राजनीति की परिधि अथवा केंद्र में, लक्ष्य अथवा मार्ग में केवल जन जन सुविधा और जन उत्थान ही हैं और रहेंगे। एग्जिट पोल के सर्वे में बिहार में सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है, लेकिन कई एजेंसियों ने कांटे की टक्कर भी दिखाई है, कई एजेंसियों ने एनडीए को बढ़त भी दिखाई है। लेकिन एक सच ये भी है, महागठबंधन का दावा है एग्जिट पोल में जितनी बड़ी जीत उसे मिली है, असल में उसे उससे भी बड़ी जीत मिलेगी। दूसरी ओर एनडीए का कहना है कि दावे अक्सर हकीकत से दूर होते हैं, नतीजे आने पर यह फिर साबित हो जाएगा। इसके साथ ही एनडीए नेताओं ने भरोसा जताया है कि राज्य में एनडीए की ही सरकार बनेगी। क्रिकेट की तरह सियासत में भी खेल किसी भी वक्त पलट सकता है। राजनीति के दिग्गजों का मानना है कोई भी भविष्यवाणी या कोई भी अनुमान सियासत का 100% आकलन नहीं कर सकता, इसीलिए थोड़ा धीरज रखिए और 10 तारीख का इंतजार कीजिए। उसी दिन बिहार की किस्मत का फैसला होगा, उसी दिन बिहार को अपना सीएम मिलेगा। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।